अस्सलाम वालेकुम। मैं इससे पहले कुछ बोलूं आप लोगों को, अपना परिचय मैं दे देना चाहता हूं। मैं कलकत्ता से हूं, कलकत्ता से मैं बिलोंग करता हूं, वेस्ट बंगाल से। और यहां के एक कॉलेज है जहां पे मैं अरबिक लिटरेचर पढ़ाता हूं। तो मैं जो ये वीडियो कर रहा हूं, इस मकसद से कर रहा हूं ताकि मैं अपने अनुभव जो है, एक्सपीरियंस है, आप लोगों से मैं शेयर कर सकूं। मैंने जो लॉकडाउन पीरियड, जो आप सब लोगों के लिए आसान नहीं था, मेरे लिए भी सेम था, घर में थे हम लोग सब। तभी जो स्टूडेंट्स थे अरबिक के, उनको पता नहीं था वो लोग क्या करें, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें, जो कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तब कॉलेज नहीं थे, लोग नहीं जा रहे थे, या फिर यूनिवर्सिटी में नहीं जाना पड़ रहा था। वेस्ट बंगाल की हालत ऐसी कुछ थी, और मुझे लगता है कि सारा जो देश है उसमें भी यही हालात रही होगी। और वेस्ट बंगाल की जो हालात है पिछले 10 साल से, तो आप कह सकते हैं कि जो सबसे आसान तरीका यह था कि, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं अरबिक के, उनके लिए आसान था कि वो कोई स्कूल में, जो कि 9-10 है, 11-12 है, या फिर अपर प्राइमरी है, वहीं पर उनको जॉब मिले। लेकिन कुछ भी करप्शन कहिए या फिर एग्ज़ाम ना होने की वजह जो भी है, ये लोग मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो गए इनसे कि एग्ज़ाम तो या तो नहीं हो रहा है, और ये हो रहा है लेकिन मतलब उस जो क्लैरिटी के साथ नहीं हो रहा है। तो ये लोग बजाय स्कूल के, इन लोगों को आसान लगा कि नेट क्वालिफाई करें ताकि वो फर्दर एडुकेशन के लिए जाए, PhD करे, या फिर कॉलेज जॉब के लिए, CSC के लिए आगे बढ़े। ऐसी हालत थी। लेकिन पूरा जो वेस्ट बंगाल है, या फिर कहिए पूरा देश में, जैसे कि और सब्जेक्ट के लिए होता था कि ऑनलाइन में कहीं से भी वो अपनी तालीम याफ्त कर सकते थे, लेकिन अरबिक के हालात ऐसा नहीं था। कुछ लोग, मैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल में जो SSC के लिए मैं पढ़ाता हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे है जो कि मुझे बोला था कि आप मुझे नेट के लिए कुछ प्रिपेयर करें, लेकिन मैं उस वक्त जो ऑनलाइन के बारे में मुझे तो कुछ पता नहीं था पहले, ऑनलाइन लॉकडाउन से पहले, और फिर भी मुझे लगता था कि वो जो नेट के लिए पढ़ाना, मतलब कैसे पढ़ाएं, इतना बड़ा सिलेबस है, 6 महीने या 7 महीने में कैसे पढ़ाए। तो इन लोगों को मैं सही दिशा नहीं दे पाया था। तभी मैंने देखा कुछ स्टूडेंट्स, मतलब आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन के साथ, मतलब उनको कुछ कम्फर्ट जोन में आ रहे थे। और उस वक्त यूज अरबिक स्टडी ग्रुप जो है, जिसके बारे में आज मैं बोलना चाहता हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ, वो लोग भी ग्रेटफुल है कि उस वक्त वो अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया जो है उनको मिला। अब्दुल अजीम साहब जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, मुझे लगता है उन्होंने इनको एक प्लेटफॉर्म दिया। ये लोग वहीं पे जाके, पहले तो फ्री क्लासेस जो होते थे, वो जो यूट्यूब में बहुत सारी जगह से वो लोग सुनते थे और अपने आप को प्रिपेयर करते थे। तो मेरे कान में भी आया, मुझे बोला सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे। मैं भी देखा, क्योंकि उनको अप्रूव करने के लिए मुझे भी देखना ज़रूरी था, क्योंकि वो मुझे भरोसा करते हैं, वो तो अब्दुल अजीम बिलाली साहब को इन पर्सन नहीं जानते हैं ना। तो मैंने देखा कि वो लोग जो बोल रहे थे स्टूडेंट्स, उसमें ज़रा सी भी कोई भूल नहीं थी, वो ठीक बोल रहे थे, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। और ख़ास करके मतलब वो जो क्रैश कोर्स है, बहुत सारे जो जैसे वो पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा। लेकिन मुझे दिल में एक बात चुभती थी कि ये जो बंगाली है, ख़ास करके जो स्कूल बैकग्राउंड से है, उनको उतना हिंदी या उर्दू का पता नहीं था। और ये तो उर्दू में पढ़ा रहे हैं, हिंदी में पढ़ा रहे हैं, तो एक तो अरबिक सीखना, फिर एक ऐसे लैंग्वेज के ज़रिए सीखना जो कि इनको समझ के बाहर है। लेकिन फिर भी ये उनको, मैं उनको क्रेडिट देना चाहता हूँ, अब्दुल अजीम बिलाली साहब को, कि ऐसे आसान तरीक़ा अपनाया, ऐसे सलीका इख्तियार किया, ऐसे प्रोसीड्यूर में लाया कि वो जो भाषा है, वो जो लैंग्वेज है, ये बैरियर नहीं हो पाया इनके बीच में। इन सब के बावजूद इन्होंने उनको सुना, उनको समझा, और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड हुए। और माशाल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स उसके बाद जो 2 या 3 जो नेट एग्ज़ाम हुआ उनमें क्वालिफाई किए। एक बात मैं आप लोगों से और शेयर करना चाहूँगा, पिछले साल में पहली बार वेस्ट बंगाल में सेट जो है उनमें अरबिक का इंट्रोड्यूस हुआ था। और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि ऑनलाइन, क्योंकि उस वक्त तो सब बंद था, वो जो अब्दुल अजीम बिलाली साहब जो अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया, यहीं के जो नोट्स, यहीं के जो लाइव वीडियोस, यहाँ के जो यूट्यूब वीडियोस, इनको सुनते थे, और उनके सुनने के बाद उनके
अंदर इतने जो कॉन्फिडेंस आया था उसकी वजह से उन्होंने क्वालिफाई किया माशाल्लाह। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि बहुत बार इससे पहले एग्ज़ाम में अपियर हुए थे लेकिन उन्होंने क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो इसीलिए मैं ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कि उनमें से कुछ मेरा स्टूडेंट्स हैं, मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, मेरे इंस्टीट्यूशन के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनकी तरफ से आपको या आपके जो ग्रुप है इनको मैं सैल्यूट करना चाहूँगा। मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा ये जो इनिशिएटिव आप लिए थे और उसको बढ़ाने की आप कोशिश कर रहे हैं आप करें, क्योंकि आप ही पहले हो जो इसमें इकदाम किए हो, जो इसमें पैर रखे हो और इसके इन लोगों के बारे में जो कि बहुत दूर दूर से जो बहुत ऐसे जगह जहाँ पे उतना इंटरनेट अच्छा भी नहीं मिल रहा था लेकिन उनको आप पहुँचे, उन तक आप पहुँचे, आपने जो अपनी एक्सपीरियंस है वो आपने जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं वहीं पे स्कॉलर हैं और बहुत सारे चीज़ें जो एक्सपीरियंस के साथ शेयर करते हैं या फिर जो नोट्स आप देते हैं जो एक ही पेज में उनको सारे समझ में आता है तो ये सारी चीज़ें उनको हेल्प करते हैं और मैं चाहता हूँ कि आगे ऐसे हेल्प आप करते रहें, इसको आप बढ़ाते रहें। और एक बात और भी है जो कि आपने उनको बोला था कि ये जो नेट का एग्ज़ाम जो है वो दिन ब दिन कठिन होते जा रहा है, हार्ड होते जा रहे हैं और पहले जो होता था कि रट्टा मार के आप क्वालिफाई कर जाते थे लेकिन अभी जो है उनको क्वालिफाई करने के लिए ग्रामर का जानना, बालागत का जानना ज़रूरी है, तो उस हिसाब से इस बार में भी जो ने एग्ज़ाम दिया है उन्होंने उनको सही पाया और वो भी आपसे सलाह लेना चाहते हैं और आपसे पढ़ना चाहते हैं। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो स्टूडेंट ना भी है लेकिन यहीं के जो बाशिंदा है वेस्ट बंगाल के वो सारे आपसे मतलब सलाह मशवरा करना चाहते हैं, आपके जो सारे कोर्सेज हैं वो करना चाहते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कुछ भी हालात मतलब कुछ भी हो जाए आप इन लोगों को साथ ना छोड़िएगा, आपकी जो एक्सपीरियंस है आपके जो अनुभव है इन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और इनको मतलब ये जो चाहते हैं जहाँ पे पहुँचना तो इसका डेस्टिनेशन तक या फिर जिनके मकसद पूरा होने तक आप इनको साथ दीजिएगा, ये मेरी आरजी है आपसे रिक्वेस्ट है। तो इस ये बात बोलने के लिए मैंने ये वॉइस किया है, वीडियो किया है, तो मैं चाहता हूँ कि वेस्ट बंगाल के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे बात से सहमत होगा और वो चाहेंगे कि आपसे आपके साथ जुड़े रहने के लिए। आपने एक ऐप्स भी मुझे लगा इंट्रोड्यूस किया है, वहीं पे बहुत सारे कोर्स खोलने की कोशिश कर रहा है यार, बाकी सारे तो बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि आप इंटर्न्स के लिए CUET के लिए जो देते हैं जो उनके जो क्लासेस लेते हैं तो ठीक बात है लेकिन उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं गया, लेकिन जो नेट के बारे में जो मैंने बोला ये 100% शुद्ध है और मेरे अंदर से निकले हैं, मेरे दिल से निकले हैं, तो मैं वही अपने वही जगह से वही दिल से मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप बार बार मैं बोल रहा हूँ कि इनके साथ जुड़े रहिए, इनको मतलब आप अगर इनके साथ छोड़ देंगे तो ये अपने आप को यतीम फील करेगा मतलब उस हिसाब से, तो आप इनके साथ जुड़े रहिए रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि आपकी वजह से वेस्ट बंगाल के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं वो उतना कमज़ोर ना समझे और ना सिर्फ बल्कि नेट और सिर्फ सेट बल्कि वो अपनी जीवन में एक नया दिशा मिले उनको और आगे बढ़ सके, उनको कॉन्फिडेंस गेन कर सके, तो और उसकी वजह उसके बाइस आप हो। तो शुक्रिया फिर से, अच्छे रहिएगा, बस सिर्फ आप नहीं है बल्कि सारे जो मेरे वॉयस को सुन रहे हैं, तो मैं सभी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और यहीं पे मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ।